मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन नेताओं की बदजुबानी का दौर जारी है। आलम यह है कि नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिनकी वजह से सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। अब भाजपा नेता ने कमलनाथ को खून चूसने वाला नेता बता दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब वो दिन दूर नहीं जब लोगों से कहा जाएगा कि कृपया नेताओं की जनसभा में वही लोग जाएं जो बदजुबानी सुनने के शौकीन हैं। जी हाँ, प्रदेश की सियासी गलियारों का आलम ही कुछ ऐसा है, जहां हर दिन बदजुबानी जारी है। अब भाजपा के महामंत्री विष्णु दत्त शर्मा ऐलान कर रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की तरक्की के पीछे गरीबों का खून छिपा है। जरा आप भी सुनिए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैंने उस छिंदवाड़ा को देखा है, मैं लगातार छिंदवाड़ा के अंदर मैंने प्रवास किया है, मैं छोटे छोटे स्थानों पर गया हूँ, उन गरीब जनजातियों के, गरीब लोगों के। दरअसल हरदा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में विष्णु दत्त शर्मा ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ आम लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं ताकि उन्हें इन्फेक्शन ना हो। खून को चूसकर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैंने उस छिंदवाड़ा को देखा है, मैं लगातार छिंदवाड़ा के अंदर मैंने प्रवास किया है, मैं छोटे छोटे स्थानों पर गया हूँ, उन गरीब जनजातियों के, गरीब लोगों के खून को चूसकर इस देश का बड़ा उद्योगपति बन गया और उद्योगपति बन करके सांसद बन करके पूरे भारत के अंदर साम्राज्य फैला करके उन गरीबों के खून के आधार पर आज मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का अध्यक्ष बनकर जब चलता है और जब उनकी रैली निकलती है तो एयरपोर्ट से भोपाल कांग्रेस कार्यालय तक जाते हैं तो चार बार उनको विष्णु दत्त शर्मा की इस प्रक्रिया पर कांग्रेस में काफी नाराजगी है और कांग्रेस ने विष्णु दत्त शर्मा से माफी की मांग की है। साथ ही खुली चेतावनी दी है कि अगर वे माफी नहीं मांगते तो कांग्रेस नेता उनका मुंह काला कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री विष्णु दत्त शर्मा को खुली चेतावनी देता हूँ कि यदि उन्होंने अपने इस बयान के संबंध में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से माफी नहीं मांगी तो अगले हरदा दौरे पर उनका मुंह काला करके उनको भोपाल वापस भेजा जाएगा। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हमारे शीर्ष नेतृत्व के सम्मान में किसी भी तरह की गई अभद्र टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में राजनीति का स्तर इस कदर गिरने लगा है कि अब नेता अपने बयानों में भाषाई मर्यादा को लांघने से भी नहीं चूक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, हरदा।